कुचिपुड़ चित्रकला एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है जिसका आरंभ तंजावुर से हुआ था। इस कला का प्रेरणा स्रोत 1600 ईसा नायकों की कलाएं हैं। तंजावुर चित्रकला में मुख्यतः हिंदू मंदिरों की विषय वस्तु होती है जिसके ऊपर स्वर्ण की परत चढ़ी होती है, किंतु अपने वर्तमान रूप में तंजावुर चित्रकला मराठा राजदरबार 1676-1855 में उत्पन्न हुई थी। भारत सरकार ने इस चित्रकला को 2007-08 में भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता दी। आर्टिस्ट कॉर्नर के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं सोनिका आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ हैं प्रिया रंगनाथन जी, और जैसे आपको पता है कि हम आर्टिस्ट कॉर्नर में हर बार कुछ ऐसे आर्ट्स के बारे में बात करते हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं और कुछ ऐसे आर्टिस्ट की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं जो उनको हाईलाइट कर सके, जिन जो चीजें हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी छुपी हुई सी हैं। ओके, इंडिया को हम लोग सभी जानते हैं कि कल्चरली रिच कंट्री में हम लोग रहते हैं, तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं तंजौर आर्ट के बारे में और केरला से जुड़ी मुराल आर्ट के बारे में, और उसी में 20 साल का अनुभव है प्रिया रंगनाथन जी को जिसके ऊपर उनसे बात करेंगे। तंजौर आर्ट बड़ी ही खूबसूरत सी आर्ट होती है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस आर्ट में प्रेसियस स्टोन्स और गोल्ड से हम लोग गोल्ड जैसे मटेरियल को यूज करके पेंटिंग्स करते हैं। मुराल आर्ट आपने टेम्पल्स में देखी होगी, उनके वॉल्स पे जो होती है और कभी कभी दीवारों पे बहुत खूबसूरती से चित्रित किया जाता है उन दृश्यों को, एक पूरी कथा को भी आप देख सकते हैं मुराल आर्ट में। तो इसी पे आज बात करते हैं, और प्रिया रंगनाथन जी आज हमारे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं गोल्डन मैंगोरियल स्टोरीज पर। नमस्ते सोनिका, नमस्ते व्यूअर्स। मैं मेरा कहानी शेयर करने के लिए आई हूँ, तो जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ जरूर शेयर करूंगी मेरी नॉलेज सबके साथ। थैंक यू सो मच मैम आज हमसे जुड़ने के लिए। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट बैकग्राउंड अपना बता दीजिए कि आपने आर्टिस्ट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी और कैसे ये इंटरेस्ट आया, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मैम। राइट, मैं आर्टिस्ट पहले नहीं थी, मैं सीख रही थी स्टूडेंट, एंड ये मेरी स्टूडेंट लाइफ तब शुरू हुआ था। एक बार मैंने एग्जीबिशन बैंगलोर में देखा था, काफी अच्छा तंजौर पेंटिंग की एग्जीबिशन था, तो मैंने यही सोचा हम क्यों नहीं ये बना सकते हैं। एंड आर्ट मेरी बचपन की ड्रीम रही है एंड पैशन था आर्ट, सो कलर्स आर्ट में बहुत रुचि रखती थी। आगे आगे मैं जितना कर सकती थी लर्न किया, वहां से शुरुआत है मेरी एग्जीबिशन, जो मेरी आई ओपनर थी। मेरे को समय भी मिला है, बच्चे छोटे थे, थोड़े बड़े हुए हैं तो समय काफी मिला है, तो इस दौरान मैंने पूरा सीखी एंड आगे इस कला को मैंने सोचा जो मैंने सीखी है बाकी लोगों को भी सिखाएं। सो ये आर्ट मेरी प्रोफेशन एंड टीचिंग मेरी पैशन, यही मानती हूँ मैं। आगे चल के अभी और भी सीख रही हूँ, शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ। सो ये काफी 20 साल पहले की जर्नी है मेरी। फर्स्ट एग्जीबिशन है इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था, ग्रुप एग्जीबिशन, एंड काफी लोग उसकी तारीफ भी किए हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमारी दिल्ली के लोगों से। तब आर्टिस्ट बहुत कम थे, आर्ट की जानकारी जो लोगों के बीच में था काफी कम था, एंड कुछ ही लोग उसको इंटरेस्ट लेके करते थे। काफी ऑर्डर्स हमने किए हैं वहां से। 2000 में फर्स्ट 2001 में मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन थी, वहां से जर्नी लेके गई एंड हंगरी आर्ट एंड कल्चर, पुलमैन, एपिसेंटर गुड़गांव, काफी जगह में आर्ट काफी एग्जिबिट किया है एंड काफी स्टूडेंट्स भी आए हैं। सो ये शुरुआत है जर्नी का। वेरी गुड। एंड टीचिंग जर्नी है, ये शुरुआत हुआ तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अंडमान में हुआ था, तब टीचिंग में कुछ फ्रेंड्स, शुरुआत में मेरी फ्रेंड्स मेरी स्टूडेंट्स रहे हैं, उस फर्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स मेरी फ्रेंड्स थे,
एंड काफी अच्छा मेरे को सैटिस्फाइड थे इस टीचिंग में, लोगों को भी बहुत खुशी मिलता था एंड थेरेप्यूटिक होता था. सो आर्ट एज कलर थेरेपी एंड लेडीज स्पेशली उनका अपने के लिए टाइम उसमें पता नहीं चलता, 2 घंटे 1 घंटे कैसे निकल गए, बाकी पूरा भूल के उसमें बैठ के करते थे. काफी इंट्रिकेट वर्क थे. तो टीचिंग की जर्नी वहां से शुरू हुई. अभी ग्लोबली विदेश में इंडिया में सारा हमारी जो कला है उसको मैं फैला रहे कंट्रीब्यूट करती हूँ, या कंट्रीब्यूट करती हूँ, उनको भी सिखाती हूँ. सारे वर्ल्ड वाइड हाइब्रिड क्लासेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे सिखाती हूँ. वाओ, ओके. तो इन सारे टॉपिक्स पे अभी डिटेल में बात करेंगे और मैम हमारे साथ हैं. तो सबसे पहले जैसे आपने बताया कि आपकी जो एग्जीबिशन थी बेंगलोर में, वहां से कहीं ना कहीं आपको इससे जुड़ाव हुआ और आपको लगा कि इस आर्ट को आपने अपनाना है. तो तंजौर आर्ट को मेनली आप पेंटिंग्स करते हैं, राइट? राइट. तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि तंजौर आर्ट के बारे में थोड़े से डिटेल्स प्लीज हमारे साथ शेयर करिए कि तंजौर आर्ट एक्चुअली में है क्या, ताकि लोगों को पता चले कि ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्यों ये इतना थेरेपेटिकली काम करता है आपके ऊपर, और क्यों वर्ल्ड वाइड लोग इसको इतना पसंद करते हैं, इसके बारे में पहले बात करते हैं. तमिलनाडु की आर्ट है, कला है ये, और काफी अच्छा माना जाता है. उस टाइम पे राजा सर्वोजी राजा मराठा किंग, वो तमिलनाडु की आर्टिसियंस को लेके उनकी पैलेसेस में पलगई पड़म बोलते हैं, पेंटिंग ऑन अ वुडन प्लैंक ऐसे कहते हैं. और इसमें ये 16th सेंचुरी आर्ट है. उस समय में हीरा जो डायमंड रूबी एमरल्ड ये सब चीज लेके वेजिटेबल कलर्स वो सब चीज यूज करके बनाया जाता था. इसका मेन जो है ये रिलीफ वर्क लाइम में करके, लाइम स्टोन के थ्रू करके इसके ऊपर प्योर गोल्ड की फॉइल की लेप लगाते हैं. काफी सारा चीज इसमें जाता है इसकी मेकिंग में, जैसे ग्लू कपड़ा ये सब चीज को पुरानी तरीके में काफी सारा चीज यूज करके इसको परमानेंट रख देते हैं. एंड वेरी वैल्यूबल आर्ट है. एंड सिर्फ ये राजा महाराजाओं की घर और नोबल्स की घर और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है उन्हीं के घर में होता था. और कुछ राजू फैमिली फ्रॉम तंजावुर ये प्लेस से, वो गुरु से ही ये कला शुरुआत हुआ है. वो एक फैमिली है, अभी भी वो फैमिली करते हैं इस कला को. और ये काफी सेक्लूडेड कला था, कुछ बाहर के लोग इसकी तक पहुंच नहीं पाया. एंड काफी साल बाद ये अभी बाकी लोगों की रीच तक काफी आया. इट इज बेसिकली लाइक अ स्टेटस सिंबल. अगर मेरे घर में तंजौर है तो इट इज अ वैल्यूएबल आर्ट. एंड हमारी जो जेनरेशन है पीढ़ियों में भी ये दिया जाता है. एंड ये आइडल्स जो हमारा गॉड डेटीज देवता देवी गॉड्स का मूर्तियां बनाते हैं इसमें, थोड़ा हाइट देके फिर यही बेसिकली बनाते हैं. एंड यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ, तो हंगरी एग्जीबिशन में जो मैंने एक्सिबिट किया था, इसमें मैंने सारा एक्सपेरिमेंट किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी अफ्रीकन माइथोलॉजी इन सब से, और सारा जो हमारी गुरुज है क्रिश्चियनिटी में इस्लाम में, सारे गुरुज गुरु गोविंद सिंह का, सारे कल्चर का और रिलीजन का इसमें मैंने एक्सिबिट किया है. एंड काफी अच्छा इसकी रिस्पांस रही. एंड फ्यूजन टाइप, जैसे पीकॉक हो गया, मुर्गर का वाहन कहते हैं इसको. मुर्गन इज द सन ऑफ शिवजी, कार्तिकेय इसका वाहन कहते हैं, पीकॉक. सो इस टाइप का भी. एंड नेफर्टिटी, क्लियोपेट्रा बहुत जाना माना पहचाना लेडी है, लेडी ऑफ ब्यूटी, उसको भी हमने किया है. एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन लव, मदर एंड चाइल्ड, वो सब चीज हमने उसमें दिखाया. कुछ अलग से हटके था एग्जीबिशन,
तो हमने जहां तक कोशिश किया सारा एक्सपेरिमेंट आगे गए थे उस। एक नया एक्सपेरिमेंट, उसमें अपना कुछ डालना होता है हर आर्ट में, तो उसमें अपने अपना एक नया क्रिएशन दे दिया। दैट इज ओके, वेरी ट्रू जैसे सोनिका। जैसे आपने बताया कि ये जो आर्ट है तंजोर आर्ट, ये तो हमें देख के पता चलता है कि कोई भी तंजोर पेंटिंग होती है तो उसमें गोल्ड और प्रेसियस जो स्टोन्स होते हैं उनको जब लगाते हैं तो वो इतना प्रेसियस हो जाती है पेंटिंग, तो वो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको स्टेटस सिंबल माना जाता था। वेरी करेक्ट। तो क्या ये जो परंपरा थी तंजोर आर्ट की, तो क्या ये बस राजाओं तक ही सीमित थी कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे बस उन्हीं के बच्चों को सिखाया जाता था, या फिर ये आगे कैसे बढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आगे काफी लोग घर पे रखते थे, जो ट्रेडिशनली दिया जाता है तो तब मिलता है इसको, जैसे ज्वेलरी टाइप का, दादा दादी नाना नानी उससे मिलता है, उस टाइप का ट्रेडिशनली हेरिटेज करके आता था इन द फैमिली। बट 15-20 ईयर्स की पहले थोड़ा थोड़ा लोगों ने सीखने शुरू किया, क्योंकि हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता है इसको। तो जब जी सीखने गए तो गुरुज अपने, कुछ कुछ गुरुज बाहर सिखाने आए और सिखाए, एंड हम लोग भी मासेस जो पीपल तक रीच करने के लिए हम जितना कोशिश करके कम बजट में छोटा सा एक फिर भी जेन्युइन क्वालिटी डाल के बना के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को सिखा भी रहते हैं, सो दैट ये एक स्किल्ड आर्ट की तरह वो लोग अपना कुछ कमाई कर सकते हैं। ये विमेन को बेसिकली और महिला जो भी हैं उनको सिखा के स्किल ट्रेनिंग करते हैं इन लोगों को, सो दैट वो आगे जाके उनके लिए कुछ रेम्यूनरेशन मिले, तो उस अर्न टाइप का कर कुछ सके अपना डिसेंट कुछ। लाइफ लिव जी कर सकते हैं। तो ये ओके, तो दैट इज द ये इंटेंशन ऑफ माई स्कूल। प्रिया एंड तेंजोर आर्ट की शुरुआत कब हुई, चलिए वहीं से बात करते हैं, कितने साल हो गए। प्रिया टैंजोर आर्ट क्लासेस 20 साल पहले शुरू हुआ, एंड तब हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस इतना नहीं थे, माउथ टू जी वर्ड पब्लिसिटी ही थे, एंड 2001 में जो एग्जीबिशन लोगों ने देखा उसके बाद काफी कॉल्स आए सिखाने के लिए, वेरी इंटरेस्टेड थे लोग, बहुत इंटरेस्ट दिखाया, एंड उनकी इंटरेस्ट देख के धीरे धीरे मैंने भी सिखाने शुरू किया, कुछ ऑर्डर्स लिया, उन लोगों ने मेरे को मदद भी किया ऑर्डर्स में मदद करके हाँ, आगे कंप्लीट करिए टाइमली सभी। जी पहुंचाने के लिए, एंड धीरे धीरे स्टार्ट वहीं से किए हैं। सो एक सेइंग है हमारे, जैसे जाकिर हुसैन साहब जैसे कहते हैं, अ टीचर जी नेवर टीचर्स, अ स्टूडेंट इंस्पायर टीचर्स टू टीच। सो मेरी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं अभी तक जो मेरे को इंस्पायर करते हैं टीच करने के लिए नया नया तरीका, नया नया तरीका। सो हम लोग ढूंढते हैं एक दूसरे से, डिस्कस करके ढूंढ के सिखाते हैं। सो ये 2001 से शुरुआत फुल फ्लेजेडली हो गया है। जी तो अभी आप प्रिया तेंजोर आर्ट्स में तेंजोर पेंटिंग्स ही सिखाते हैं या फिर उसमें अलग तरीके के आर्ट्स भी आप करवाते हैं। यस, अलग तरीके के आर्ट्स भी होता है, केरला म्यूरल, जी पिछवाई, सारा ट्रेडिशनल आर्ट हमारी स्टेट की काफी सारा और ज्यादा है, उसको सीखने के लिए काफी सारा टाइम और हिम्मत और लगाव भी चला, कि जैसे आपने सही कहा वॉल्स ऑफ द टेम्पल में होते थे, वो कृष्णा की कहानी बेसिकली, उनकी जैसे जन्म हुआ, कैसे परवरिश हुआ, कैसे उस उनकी कहानी चलता था, रासलीला टाइप तक उनका ड्राइंग्स होते थे, एंड अभी भी पुरानी ड्राइंग्स अभी भी मिलता है देखने के लिए हमारी तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभेश्वर टेम्पल में और गुरुवायूर में मिलते हैं टेम्पल्स में। दीज आर मेन टेम्पल्स, और काफी सारा टेम्पल्स पुरानी टेम्पल्स है उनकी, सब में ये होता है आर्ट। ड्राइंग्स पेंटिंग्स होता है। और जैसा मुझे नॉलेज है अजंता की गुफाओं में भी मुराल आर्ट को दर्शाया गया है और बनाया है, तो किस करेक्ट। टाइप के चैलेंजेस आते हैं जब आप ये आर्ट करते हो और या फिर सिखाने के टाइम पे कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं।
चैलेंजेस मास तक पहुंचना के लिए बहुत कम रास्ता है। तो अभी मैं आपको भी थैंक यू कहती हूँ क्योंकि ये भी एक मात्रम है लोगों तक पहुंचने का। जी तो लोग कम जो अवेयरनेस है जानते हैं वो एक बड़ा चैलेंज है, एंड लोगों तक पहुंचना अवेयरनेस, तो यही हम जुड़ी हुई हैं ग्रुप्स में। सो वहां तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग अफकोर्स वही चीज खरीदते हैं जब हमें वो बहुत खूबसूरत लगती हो, या फिर उसका मीनिंग उसके पीछे इतना बड़ा है कि हम उसको ले सकते हैं। जैसे तंजोर आर्ट के पीछे आपने बताया कि स्टेटस सिंबल है कहीं ना कहीं लोगों का, इतने प्रीसियस चीजें उसमें लगाई जाती हैं। तो अगर आप उसको खरीदते हो या फिर जनरेशन टू जनरेशन आप लोग उसको पहुंचाते हो एक प्रीसियस गिफ्ट की तरह, की ये रहना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन में, लोग उसको याद रखें। तो लोग उसको क्यों खरीदना चाहिए लोगों को, वो पहली बात, ये मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि, और दूसरा जो अवेयरनेस की बात है, हमें लोगों को कैसे अवेयर करना चाहिए। आज की जो जनरेशन है, मुझे नहीं लगता बुक्स में कितना ही उसके बारे में अभी पता होगा बच्चों को। तो कैसे उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ट्रेडिशन के साथ कैसे मॉडर्नाइजेशन को मिक्स करके एक ऐसा आउटपुट आए जिससे लोगों को वो इंटरेस्टिंग भी लगे और उसको मीनिंगफुल भी लगे और लोग कहीं ना कहीं उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाए। तो वो न्यू आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। तो आप वो करने के लिए क्या करते हैं, अपना एक इफेक्ट डालने के लिए ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं? हाँ, यहाँ हम फ्यूजन आर्ट बनाते हैं। गोल्ड लेके वही पुराना जो टेक्निक्स है उसको फॉलो करते हुए नया रूप दे देते हैं। ये राधा कृष्णा का लव डिवोशन है इनकी पिक्चर में, एंड ये एक अलग स्टाइल की हमने किया हुआ है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एक्रेलिक पेंट। ये यहाँ हमने एक्रिलिक पेंट और कैनवस यूज किया है, जी एंड अलग तरीके की शेडिंग किया है इसमें जो नॉर्मल नहीं है। बहुत पुराना कला है डॉट पेंटिंग करके इसका बोलते हैं इसको। नॉर्मल एक्रिलिक पेंट से थोड़ा हटके है ये कला। पुराना है तो पुराना ही अपनाया है। टैंजोर पेंटिंग में काफी सारा लोग लक्ष्मी मांगते हैं, जो गॉडेस लक्ष्मी है, तो उसको हम बहुत डिफरेंट वैरायटी में करते हैं। दो तीन तरह का करते हैं। अष्टलक्ष्मी भी करते हैं, अलग अलग जी लक्ष्मी, बिकॉज अष्टलक्ष्मी बहुत बड़ा पेंटिंग हो जाता है। अगेन उसको कस्टमाइज करके एक एक अलग अलग लक्ष्मी के रूप में करते हैं। गणेश जी जी करते हैं, बालाजी बनाते हैं ऐसे, एंड ये मोस्ट ऑफ देम उसके मंदिर में रखना पसंद करते हैं। मंदिर का भी थोड़ा सा छोटा साइज में बना के हम लोग गिफ्ट पर्स के लिए सेल करते हैं। जैसे हाउस वार्मिंग हो गया, लोग मेरे से आके बोलते हैं इस बजट में बना के दीजिए। थोड़ा टाइम लगता है इसमें बना के, एंड उसको हम बना के दे देते हैं, ऑर्डर्स लेके थे एडिशनल लाइक। तो ट्रेडिशन को रखते हुए नया दौर पे हम काम करते हैं। बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं मैम। ओके, तो जैसे बिल्कुल आप अभी क्लासेस देते हैं, लेडीज आपके साथ काफी सारे जुड़े हुए हैं, और आप बाहर के देशों में भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, जिसके बाद जब आप उनको सिखाते हैं यूएस सिंगापुर, तो क्या एक डिफरेंस लगता है इंडिया के लोगों में और बाहर के पब्लिक को सिखाने में, कि वो किस तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, बेसिकली वो जब सीखने आते हैं वो उसके बारे में जानते हैं। जब ये मेरे को सीखना है तो थोड़ा बहुत जानकारी है, बट काफी ऐसे लोग जो पेंटिंग कभी किया ही नहीं है, बट उनको जब ये जी करते करते इतनी इंटरेस्ट आ जाता है, वो लोग सीखते सीखते उनको और भी करते हैं, काफी प्रैक्टिस करते हैं, एंड लोग सारे जगह एक जैसे ही हैं, जी एंड हाँ डिवाइड है बाकी का, बट एक जैसे ही बिहेव करते हैं, एक जैसे बहुत प्यार से रहते हैं, अपनापन मिलता है, एंड हम हमारा देश का जो इंडिया की जो सारा परंपरा है हम सिखा सकते हैं उन लोगों को, एंड वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हमारी कला को लर्न करने के लिए। पूरा एक एक छोटा छोटा चीज भी देख देख के करते हैं, एंड उनको बहुत अच्छा लगता है हमारी देश के कल्चर
स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज बहुत पसंद करते मान्यता हैं। देते हैं हम लोग। एंड रिसेंटली जापानीज लोग आए थे सीखने के लिए, उनको इतनी अच्छा लगा एंड वो वहां जाके भी मेरे को दो तीन लोगों को सजेस्ट किया है यहाँ जाके ये कला सीखने के लिए। तो ऐसे ही लोग है बढ़ावा देते हैं हमारी कल्चर को। एंड बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर किसी को भी तंजोर आर्ट में या फिर मुराल आर्ट में या मधुबनी किसी को भी सीखना है तो वो प्रिया रंगनाथन जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रिया तंजोर आर्ट्स के नाम से उनका जो है एकेडमी है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस लेते हैं। उनका जो नंबर है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जब अगर किसी को भी उनसे कॉन्टेक्ट करना हो तो उनके पेज का नाम भी, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू वाइंड अप करने से पहले आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे मैम, लास्ट में आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी कल्चर को आगे बढ़ाएं एंड इस कल्चर से काफी डिसिप्लिन, पेशेंस सारे सिखाने के लिए मिलते हैं और सीखते हैं लोग। एंड हमारा परंपरा को आगे ऐसे ही चलता रहे, तो जितना लोग आगे लेके जा सकते हैं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल आर्ट। एंड सोनिका थैंक यू सो मच, नमस्ते नमस्ते एवरीबडी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू।